डॉक्टर उदित राज आपके पास आना चाहती हूं। मदरसे के मामले में कुंभ को घसीट कर क्या आपने बीजेपी को एक बार फिर मौका नहीं दिया है कि वो अपने तरीके से अपनी राजनीति को आगे ले जाएं? आप ये कह सकते थे कि अगर आपको सरकारी खर्च से बंद करना है तो सभी धर्मों के लिए अपने खर्च बंद कीजिए। कुंभ को चुनने के पीछे क्या वजह थी? वो कह रहे हैं आप जानबूझकर हिंदू आस्था को चोट पहुंचाना चाहते थे। मुझे लगता है कि आप हमारी ट्वीट को फिर से पढ़ लो। और दूसरी बात है कि मैंने एक रेफरेंस दिया है, एक रेफरेंस हमने दिया है। हेमंत बिश्व शर्मा जी कुछ भी कहें वो तो मान्य है, योगी आदित्यनाथ जी कुछ करें वो भी मान्य है। जब हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा कि रिलीजियस प्रीचिंग के लिए, ये वर्ड मैंने सुना है और जिस्ट यही है कि रिलीजियस प्रीचिंग सरकारी पैसे से प्रमोट नहीं होता, एक रेफरेंस के तौर पर हमने कुंभ का जिक्र किया। न मैं कुंभ मेला के आयोजन के खिलाफ में हूँ या सरकार जितना खर्च करे न मैं रोकने वाला हूँ। तो मैंने एक संवैधानिक पक्ष अपना रखा था कि संविधान में जब चर्चा हुआ था तो उस समय राजनीति और धर्म को विच्छेद किया गया था, स्टेट को सेपरेट किया गया था रिलीजन से। उसी कंटेक्स्ट में मैंने इस बात को बोला था। अंजना जी, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मैं मर सकता हूँ, कट सकता हूँ, मैं लालची आदमी नहीं हूँ। मोदी जी मुझे आराम से कैबिनेट मंत्री बना देते। मैं वहां पर भी जब मतभेद होता तो मैं बात बड़े आराम, और मुझे प्रामिज किया गया था। अच्छा, मेरे ये व्यक्तिगत विचार है, कांग्रेस के अगर होते तो मैं कांग्रेस को टैग करता। हाँ। हर राजनीतिक ट्वीट को मैं INC टैग करता हूँ। ये मेरा अधिकार है, ठीक है, मेरा राइट है। हाँ। कि मैं धार्मिक, सामाजिक, लेकिन कुंभ का रेफरेंस नहीं है, ठीक है। उदय जी, आपकी पूरी बात मैंने सुनी। राइट टू रिजर्व मेरा ये अधिकार है, मेरी चॉइस है, मेरी फ्रीडम है। हाँ। मेरी फ्रीडम है। हाँ। और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है इसका। क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ इस पर आपको बोला गया है क्या? आप बार बार कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं इस पर? कोई भी चाहता है कि उसकी पार्टी की बैकिंग उसको मिले जब वो अच्छा सवाल, आप तो अपनी तरफ से बड़ा सवाल ही उठा रहे हैं ना सर। आप तो अपनी तरफ से बड़ा आदर्शवादी सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर कुछ मना किया गया है क्या कि अलग हुई है, ये हमारी सोच नहीं है? मेरा कोई संवाद नहीं हुआ इस मामले में, ना उन्होंने कुछ कहा। जब मीडिया ने हल्ला मचाया तो मैंने अपने ट्विटर को रिस्टोर कर दिया और मैं अब पूरे देश में डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। हाँ। जो बड़ा हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, दलितों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रहे हैं, सत्यानाश कर दिया पूरे संविधान का। हाँ। जो भी रोजी रोटी का इंतजाम बाबा साहब के संविधान से था वो समाप्त कर रहे हैं। वो आज जो बड़ा हिंदू धर्म के बड़े हितैषी बने हुए हैं, हिंदू धर्म को ये मजबूत कर रहे हैं, जो इतने बड़े सेक्शन को अलग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, योगी आदित्यनाथ जी ने रात में मनीषा का लाश जलवा दिया, हिंदू धर्म के हिसाब से था वो। मुझे पहले ये बताइए ना कि अभी जो आप इससे किनारा कर रहे हैं ये कहके कि मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया है कुंभ का, आपने रेफरेंस नहीं दिया है सर। आपने सीधा कहा है द स्टेट डज नॉट हैव इट्स रिलीजन, मतलब जो भी स्टेट होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है। यूपी सरकार ने 4200 करोड़ रुपए खर्च किए थे कुंभ मेला में इलाहाबाद में, क्या ये भी गलत नहीं था? ये रेफरेंस नहीं होता है, ये सीधा सवाल होता है। सवाल पे टिकिए ना सर। अगर आप कह रहे हैं कि देश भर में बहस करेंगे तो फिर टिक कर अपनी बात कहिए ना। रेफरेंस क्या है? मैंने जो आपने बोला था वही सवाल पूछा ना मैंने आपसे उदित जी। अंजना जी उम्मीद है क्या मुझे इसका जवाब? इसके दो आंसर को गौरव जी के साथ दिखाइए। दो क्वेश्चन बनते हैं। स्टेट का अपना रिलीजन नहीं है, पूरा संविधान पढ़ जाइए, पूरा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का डिबेट पढ़ जाइए, वॉल्यूम से वॉल्यूम है। स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं है, भारत के कान संविधान। मैं यहाँ पर करेक्ट हूँ। दूसरी बात है कि मैं कुंभ मेला के खिलाफ में नहीं, रेफरेंस दिया हेमंत बिश्व शर्मा
के बयान से कि रिलीजियस प्रीचिंग टीचिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं बोला हूँ, ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी से है। गौरव जी वो कह रहे हैं मैंने कुंभ के खिलाफ नहीं बोला है, आप लोग रंग दे रहे हैं। नहीं देखिए, सबसे पहले तो अंजना जी ने ट्वीट किया और कांग्रेस की मानसिकता ही यही है कि हिंदुओं से नफरत, उसके बाद ट्वीट डिलीट होता है और उसके बाद ट्वीट बहाल हो जाता है। तो आपको लगता है कि इतनी हैसियत किसी की होगी कांग्रेस में कि ट्वीट बहाल हो जाए बिना सोनिया गांधी राहुल गांधी से पूछे? जब इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाई तो वो बहाल तभी हुआ ऊपर से इशारा हुआ। और ये कहते हैं कि हम रेफरेंस के लिए कह रहे थे कुंभ मेला, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा हमें गर्व है कि आयोजन के लिए हमने रुपया दिया। रेफरेंस के लिए उदित राज जी एक बार बोलेंगे, आपकी पार्टी ने कहा था हिंदू आतंकवाद, जरा बोल के दिखाइए आज तक पे इस्लामिक आतंकवाद, अगर हिम्मत है तो बोलिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।